जब कोई मेरे से पूछता है कि अमेरिका आने का आसान तरीका, मैंने कहा, मैं तब मैं उनसे हमेशा कहता हूँ आसान तरीका वो बेटा एक ही आसान है, या तो उधर से आओ क्रॉस करके, उसकी मैं बॉर्डर क्रॉस किसी किसी को कैसे? मैं उसकी सलाह में देता नहीं हूँ, वो एक हंसी के तौर पर कहता हूँ मैं। और दूसरी बात भी हंसी के तौर पर भी वो सच बात है, मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी जो नागरिक है कि उससे शादी शादी कर कर लो, कि ये लो, बात कितनी सच है। ये बात 100% सच है। क्योंकि मेरे दफ़ा क्या होता है, लोग अंडरग्रेड और मास्टर्स दोनों बैक टू बैक कर लेते हैं, और जब जॉब ढूंढने जाते हैं उनके पास 0 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो जो एम्प्लॉयर होता है उनके लिए आपको हायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वेबसाइट है आई बिलीव वहाँ पे $30 से $40 की मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। अच्छा वहाँ पे रैंकिंग सक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ 1 महीने की ज़रूरत है, 1 महीने के लिए ले लो। माना कि $40 थोड़ी ज़्यादा कीमत है, बट आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो। नमस्कार, और आप में से बहुत सारे लोग मेरे को जानते हो, नाम है राजन सिंह, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बताया नाम अपना मैंने। और जब मैं कहीं YouTube वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पर से अगर कुछ ऐसा पता लग जाए जो आप में से बहुत सारे लोगों के काम आ सके तो फिर उसको भी बताना ज़रूरी हो जाता है। और एज ए यूट्यूबर जो है मेरे पास बहुत सारी मेल आती हैं लोगों की, या बच्चों की या लड़कों की, जो ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में वो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। कुछ आना चाहते हैं ग्रेजुएशन के लिए, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आना चाहते हैं, तो मेरे पास सब कुछ पता है नहीं ना, तो जो मेरी सीमित बुद्धि है उससे उससे मैं जितना भी बता पाता हूँ उतना उनको बता पाता हूँ। जब मेरा यहाँ आना हुआ तो मैं ऑलिवर के पास आता हूँ मैं, क्योंकि ये यहाँ पर है पहले से। कितने साल हुए तेरे को? सच्चा मुझे 12 साल हो गए। तो ये 12 साल से है, और ये यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए आया था। तो मैंने सोचा कि ये एक बेहतर इंसान हो सकता है जो आपको एक रास्ता बता सकता है कि आपको यहाँ आने के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हो तो उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है। और फिर देखो एक बात और है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात से एग्री और डिसएग्री हो सकते हो। जब कोई यहाँ पर ये कहता है मेरे से ना कि वो पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाना चाहता है ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं तेरे से ही पूछता हूँ, जब कोई ये कहता है कि मैं वहाँ ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहता हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा तो होती होगी ना, कोई ना कोई तो होती तो होगी क्या यस। मंशा? क्या खाली वो पढ़ाई करके अपने घर वापस आ जाना हाँ जाना चाहता है, या पीछे कोई और मंशा होती है? या जब तूने किया था तो तेरी क्या मंशा थी यहाँ के, जब तू आएगा यहाँ पर तो व्हाई डिड यू कम हियर? तो मेरी मंशा यही थी चाचा कि मैं अमेरिका के सेटल हो जाऊँ। जितने लोगों को मैंने देखा है, बहुत कम इक्का दुक्का लोग हैं जो यहाँ पे आए, उन्होंने पढ़ाई की और फिर वो वापस चले गए, क्योंकि उनके इंडिया में बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस थे, तो उनको वहाँ रहना ज़्यादा बेहतर था। बट आई वुड से फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, प्रॉबेबली 98-99% वो इसी मंशा से आते हैं ताकि वो US में सेटल हो सके। अच्छा एक बात और, के जब लोग मेरे को ईमेल करते हैं या कमेंट करते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि यार मैं तो एक यहाँ पर कैशियर हूँ ना, सिर्फ वो मेरे से ये पूछते हैं कि हम ये बता दो कि हम ग्रेजुएशन के लिए वहाँ आना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तू तो आया था यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के लिए आया था पहले, है ना? तो जो ये सोच रहे हैं कि उनको ग्रेजुएशन के लिए आना है, उनको जो बेहतर से बेहतर रास्ता वो कौन सा हो सकता है? क्या वो किसी एजेंट के माध्यम से आएं, या वो खुद अपने बूते पर वहां पर रिसर्च करें और आएं उससे? तो मैं आया था अंडरग्रेड के लिए, और तब मेरे रिश्तेदार या जानने वाले कोई थे नहीं US में, तो मैं एक एजेंट के माध्यम से आया था। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप खुद से करके आए, क्योंकि एजेंट के थ्रू कभी कभी आपको एजेंट गलत चीज़ें बता देता है, कभी कभी एजेंट आपके सही टाइम पे एडमिशन अप्लाई नहीं करता है, और बहुत दफ़ा एजेंट को कुछ यूनिवर्सिटीज से कमीशन भी मिलता है आपको उस जगह पे भेजने के लिए, तो एजेंट आपको कभी कभी गुमराह भी कर सकता है। ये US आने का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अंडरग्रेड के लिए आना चाहते हो तो आप पहले मेक श्योर करें कि आपकी इंटर कंप्लीटेड है, आपकी 12th स्टैंडर्ड, कि आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन है। फिर आप IELTS एक नाम की टेस्ट होती है, इट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको देनी पड़ेगी, वो भी आसान है, वो भी हो जाएगी, तो आप वो करें। फिर आपको जिस फील्ड में आना है अमेरिका में, आप एक वेबसाइट है US न्यूज़ करके, आप उस वेबसाइट पे जाए और अपने फील्ड का नाम एंटर करो, तो आपके फील्ड के अंदर जो टॉप कॉलेजेस है वो आपको वहाँ पे नज़र आएंगे,
रैंकिंग्स नज़र आएंगी और उनकी कितनी फीस है वो भी आपको नज़र आएगी। तो उस यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आप कोई 8 से 10 यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करो और फिर उनकी वेबसाइट पे जाके खुद अप्लाई करो। इसके अंदर आपको IELTS करना पड़ेगा, 12th की आपके पास ग्रेजुएशन शीट होनी चाहिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे SAT मांगती है, कुछ नहीं मांगती है। डिपेंडिंग, अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मांग रही है तो आप वो 3 महीने मेहनत करके एग्ज़ाम देके उसको पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो आप वो ना करें। तो ये 3 मेन चीज़ें होती है अंडर ग्रेड के लिए। तो एक बात तो ये कि जो जैसे एक टोफेल भी एक एग्जाम होता है, कोई टोफेल भी होता है, टोफेल, तो अगर टोफेल या एक दूसरा जो तूने बताया, दोनों में से कोई भी कर सकता है जो। हाँ, उसके अंदर आप दोनों कर सकते हो। IELTS का फायदा यह है कि IELTS कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बहुत और अलग वेस्टर्न नेशंस में भी एक्सेप्ट होती है। तो अगर आपने अगर एग्जाम कर लिया और आपको बाद में दिल किया कि मैं कनाडा जाऊँ या ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, तो आप जा सकते हो। टोफेल जहाँ तक मेरा ख्याल है मोस्टली सिर्फ अमेरिका एंड मे बी सम यूनिवर्सिटीज इन कनाडा में एक्सेप्ट होती है, तो इसके आपका फोकस थोड़ा नैरो हो अगर जाता है। किसी ने टोफेल नहीं किया है और वो अमेरिका आना चाहता है, उसने दूसरा वाला वो कर रखा है कोर्स, तो IELTS का क्या वो ठीक है कि वो वही करके भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। आप तकरीबन यूनिवर्सिटीज में IELTS एक्सेप्टेबल है। अच्छा, तो ये है कि उनको एक मतलब बजाय इसके कि वो किसी एजेंट के पास जाकर धक्के खाएं कि वो उससे करवा बेहतर, दे, हाँ बेहतर ये है कि वो खुद अपने मेहनत से करें कि बिल्कुल। वहाँ जाएं, जो तुमने बताया तरीका, वहाँ जाकर। उस साइट का नाम क्या है, क्या एक बार फिर से बता देगा जहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं? US न्यूज, मैं शायद आपको खोल के यहाँ पे दिखा सकता हूँ, या दिखा सकता हूँ ताकि लोग गलत वेबसाइट पे ना जाए। वरना मैं उसका लिंक भी डाल सकता हूँ यहाँ आप यहाँ पर पे लिंक भी डाल सकते डिस्क्रिप्शन हो में, डिस्क्रिप्शन में। तो मैं हाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा जिस वेबसाइट पर आप जाकर वो देख सकते हो यूनिवर्सिटी को, राइट, करेक्ट, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, किस यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है, हर एक प्रोग्राम की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो 2 साल के लिए कितनी होगी, अंडर ग्रेड के लिए 4 साल के लिए कितनी होगी। और उस जो वेबसाइट है, आई बिलीव वहाँ पे $30 से $40 की मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। अच्छा, वहाँ पे रैंकिंग्स एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ 1 महीने की ज़रूरत है, 1 महीने के लिए ले लो। माना कि $40 थोड़ी ज़्यादा कीमत है, बट आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, तो फ्यूचर के लिए $40 इज नॉट अ बिग डील। तो आप 1 महीने की मेंबरशिप लेके वो सारे रिसर्च अपना पूरा कर लो, यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट कर लो, और वो हर एक यूनिवर्सिटी के इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करो। एप्लीकेशन फीस $50 से $100 पर एप्लीकेशन आपको पड़ेगी, बट इतना तो स्टार्टिंग में आपको खर्चा आएगा तकरीबन $1,000 का, राइट, जो आप 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे, फिर वहां से आपको एडमिशन आएगा, फिर आप जाओगे US एम्बेसी के वेबसाइट पे आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर आप अमेरिका आ सकते हो। तो स्टार्टिंग में थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स वो छोटी सी रकम होती है। अच्छा, अगर किसी को तेरे से कोई सवाल पूछना हो यहाँ पर, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जो आपको जितनी ज़रूरत है जानने की उतना सब यहाँ पर बता ही दिया जाए, ताकि आपको कोई सवाल पूछने से बचे ना। फिर भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में उस सवाल को लिख देना, मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा, और जब इसके पास समय होगा तो आपको उसको बता देगा, उसको जवाब दे देगा, अगर बिल्कुल जब इसके पास समय होगा, मैंने कहा। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ पर आप कोई आता है ग्रेजुएशन करने के लिए आता है, तो क्या देख, एक आम भाषा में बता रहा हूँ मैं, आम तौर से लोग समझते हैं कि हम वहाँ जाकर ग्रेजुएशन करेंगे और फिर हमारी नौकरी पक्की है। तो क्या ऐसा है कि जितने लोग ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, सभी को यहाँ पर फिर बाद में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या क्या वो क्या चक्कर है, जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो फिर क्या होता है कि मतलब कितने लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सब कर सकते हैं, या क्या कंडीशन है करेक्ट। उनकी? तो जब आप, डजन मैटर अगर आप अंडर ग्रेड करो या मास्टर्स करो, आपको 1 साल का वर्क ऑथोराइजेशन आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है। 1 मिनट, इसका मतलब है कि जब किसी ने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर लिया तो उसको 1 साल का वर्क ऑथराइजेशन मिलना ही मिलना है, ये वो बात तो तो है मिलना ना? ही मिलना है, ओके वो बाय डिफॉल्ट, दैट्स वो आपका जो स्टूडेंट वीजा होता है ना, F1 वीजा, उस वीजा का एक्सटेंशन होता है कि आपको 1 साल का वर्क ऑथोराइजेशन मिलता है। अगर आपकी डिग्री स्टेम है, जैसे साइंस स्टेम, या स्टेम फील्ड में, राइट, या तो आपको 1 साल का तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर किसी के पास, उसमें डिटेल में जाने से, अगर किसी के हाँ, पास स्टेम की डिग्री नहीं है तो उनको सिर्फ 1 साल की तो वर्क बस उनको एक ऑथोराइजेशन, साल का मिलेगा, और करेक्ट, अगर स्टेम है किसी के पास, जो तो उसका वो 3 साल है, का मिलेगा। तो पहले 1 साल,
फिर 2 साल का एक्सटेंशन। 2 साल का। अच्छा, तो एक और बात है कि जो लोग ऑब्वियस है वो तो ना, कि जब आप यहाँ पर, एक तो वो लोग हैं जो अपने बिजनेस है वो इसलिए आते हैं कि यहाँ से जो एजुकेशन लेंगे उसको अपने बिजनेस में वहाँ इंडिया में या किसी और देश में करेक्ट, उसको यूटिलाइज करेंगे। ऐसे भी लोग हैं। हाँ उसके बाद जो बचते हैं फिर उनका तो यही पर्पस है ना कि वो यहाँ पर जॉब करेंगे, और बिल्कुल अगर हो सका तो फिर H1B वीज़ा ट्राई करेंगे और उनको मिल ट्राई जाएगा करेंगे। उनको। तो जो ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या ग्रेजुएशन के बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या उनको पहले कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए अगर आपने बैचलर्स अगर किया है, पहले? मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लो। अगर आप यूएस में अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो 1 साल जॉब करो, फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो। अगर आप इंडिया में अगर आप अंडरग्रेड कर रहे हो तो 1 साल का जॉब करो, फिर यूएस आओ मास्टर्स करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है, लोग अंडरग्रेड और मास्टर्स दोनों बैक टू बैक कर लेते हैं, और जब जॉब ढूंढने जाते हैं उनके पास 0 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो जो एम्प्लॉयर होता है उनके लिए आपको हायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जो काम पे जो काम करते हो, जो आप जॉब पे चीज़ें करते हो और जो आप स्कूल में सीखते हो, वो 99% चीज़ें अलग होती है। तो जस्ट बिकॉज आपने डिग्री निकाल ली, इसका मतलब यही नहीं कि आप इंडस्ट्री में काम कर सकोगे। उसको आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है जॉब पे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आपकी वो एक्सपीरियंस बन जाती है। एक बात ये पूछनी थी मेरे को कि अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहा है यहाँ पर, तो क्या वो, उसको चाहिए कि वो कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी लेकर आए यहाँ पर, या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है उसके बाद फिर यहाँ पर उसको आप लीगली, आपको कोई रोकेगा नहीं, या आप आ जाओ, आप मास्टर्स कर लो, कोई रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेकर आ जाओ, और फिर मास्टर्स करो यहाँ पर फिर आकर, मास्टर्स तो करो, ताकि जब एम्प्लॉयर आपको देखेगा कि चलो इसने अंडरग्रेड किया है, इसने इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम किया है, फिर इसने डिसाइड किया मास्टर्स करने के लिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा लेजिबल कैंडिडेट है, थोड़ा लेजिबल नहीं सॉरी क्रेडिबल कैंडिडेट है, वर्सेस जिसके पास सिर्फ डिग्रीज है और कोई काम वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वो इंडिया से ग्रेजुएट करके यहाँ पर मास्टर्स के लिए आ रहा है, तो उसको चाहिए कि पहले वो कहीं पर वर्क एक साल एक्सपीरियंस ले काम एक साल का करे। एटलीस्ट, हाँ फिर यहाँ मास्टर्स के लिए आए, बिल्कुल, और अगर यहाँ से ग्रेजुएशन किया तो फिर उसको 1 साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा और ही इस टाइम में मिलेगा तो फिर उसको 2 साल का एक्सटेंशन और मिल सकता बिल्कुल, है। क्योंकि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू चर्चा ये है कि मास्टर्स वो लोग करते हैं जिनको इंडस्ट्री में वो लोग काम करते हैं, फिर उनको पता होता है कि उनको मास्टर्स किस में करना है। ज़रूरी नहीं जिसमें आपने बैचलर्स किया हो आप मास्टर्स भी उसी में करो। बहुत लोग फील्ड चेंज करते हैं, मैंने भी अपनी फील्ड चेंज की। मैंने अंडरग्रेड किया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, मैंने मास्टर्स किया इंडस्ट्रियल में। तो अमेरिका में मानना यह है कि आप अंडरग्रेड के बाद आप जॉब करते हो, और जब आप जॉब पे चीज़ें सीखते हो तब आपको पता चलता है कि आपको इस फील्ड में रहना है कि किसी और फील्ड में जाना है, या कि इसी फील्ड में आपने कोई स्पेशलाइजेशन करनी है। वो आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे। तो जब आप अंडरग्रेड करोगे फिर मास्टर्स करोगे और डायरेक्ट जॉब पे जाओगे, तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुमने मास्टर्स इसी फील्ड में करना है, तुमने तो कभी जॉब नहीं की। तो एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा, एक छोटा सा रेड फ्लैग हो जाता है। तो आप 1 साल कम से कम जॉब करो। अच्छा, एक बात और है कि देखो वो सच है कि जब यहाँ आप कोई पढ़ने के लिए आता है या हायर एजुकेशन लेने के लिए आता है, तो बहुत सबका नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों का पर्पस जो है उसके पीछे यही होता है कि वो यहाँ पर जॉब करेंगे और फ्यूचर में अगर संभव हुआ तो यहाँ पर सिटीजन बन जाए, सिटीजन बन जाए, यहाँ पर सेटल हो जाए, या सेटल हो उनके जाए, पास ग्रीन कार्ड मिल जाए, बिल्कुल। और उसकी सीढ़ियाँ हैं फिर वहाँ तक जाने के लिए, है ना। बहुत मुश्किल सीढ़ी है बट है और तेरे को 12 साल हुए यहाँ पर है, करेक्ट। तो क्या ये बता सकता है कि इस 12 साल में अभी तक तेरे को नहीं मिला है H1B का स्टेटस, बिल्कुल। तो क्या उसका प्रोसेस क्या होता है उसका? तो जब आपको वर्क ऑथराइजेशन मिलता है ग्रेजुएशन होने के बाद, 99% लोगों को जॉब लग जाती है। तो आपको जॉब लग गई, आपने जॉब चालू की, हर साल अप्रैल में, अप्रैल 1 को H1B की लॉटरी होती है। ये लॉटरी प्रोसेस है, ये मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है। तो उनके सीट का कोटा होता है, 85,000 सीट्स गवर्नमेंट रिजर्व करती है H1B एप्लीकेशंस के लिए। हर साल एप्लीकेशंस ज़्यादा कम आते रहते हैं, जिसके वजह से आपकी जो परसेंटेज ऑफ गेटिंग H1B चेंज होती रहती है। किस साल 30 होती है, किस साल 5%, किस साल 7% भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया है।
तो आपको हर साल एक मौका मिलता है H1B के लॉटरी में एंटर करने का। अगर उस साल तो आपका पिक नहीं हुआ या तो कंपनी आपका दूसरा साल अप्लाई करेगी। इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग कि क्या कंपनी आपका H1B करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। ऐसा भी होता है ऐसे भी कंपनी, होता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता कि अगर आपकी जॉब लग गई तो आपका H1B हो जाएगा, नहीं, तो वो आप अप्लाई करते हो, कंपनी अप्लाई करती है आपके लिए? कंपनी अप्लाई करती है, वो एम्प्लॉयर बेनिफिट होता है। तो आपने जॉब ऐसी ढूंढनी है जहाँ पे कंपनी की पॉलिसी हो कि आपकी H1B अप्लाई करे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले 90 दिनों में आपको जॉब ढूंढनी तो है और बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर लोग जॉब ऐसे ढूंढते हैं 90 दिनों में ऐसे कंपनी में जिनकी पॉलिसीज होती है, HR की पॉलिसीज होती है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हम H1B अप्लाई करेंगे। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो वो हर 3 साल में तो वो अप्लाई करते हैं उसके अप्लाई लिए? करते हैं। अगर 3 साल में अगर आपका H1B लग गया तो वेरी गुड। एक दफ़ा आपका H1B लग गया और फिर उसको 6-7 महीने लगते हैं एक्सेप्ट होने में। एक दफ़ा एक्सेप्ट हो जाए, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर कंपनी आपका EB2 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकती है। अच्छा, मान लो कोई किसी ने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है और 3 साल का उसने काम भी कर लिया और अब उसका उसका वो H1B में हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, ऐसे तो काफी फिर लोग हैं। क्या उसको वापस जाना पड़ेगा या रुकने के लिए फिर उसको तब मास्टर्स करना पड़ेगा या कोई और कोर्स करना पड़ेगा, या वो चाहे तो मास्टर कर सकता है और कर रुकना अगर सकते चाहे हैं, वो, तो करेक्ट, उस 3 साल में मान लो उसका नहीं हुआ उसका, राइट। तो H1B क्योंकि ये लॉटरी प्रोसेस है, हर किसी का होता नहीं है, या मेरा भी नहीं हुआ। तो अगर आप बैचलर्स में हो और आप 3 साल से नौकरी कर रहे हो, 3ों साल कंपनी ने अप्लाई किया, आपका पिक नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि वो जो H1B वीज़ा वो आपके लक पर है? वो, हाँ, वो लॉटरी सिस्टम है कंप्लीटली बेस्ड ऑन लक, उसके अंदर कोई मेरिट सिस्टम नहीं है। मान लो तो ग्रेजुएशन के 3 साल आपने जॉब कर ली और नहीं आया, तो तूने बताया फिर आपको कोई और जॉब देखनी पड़ेगी या कोई कोर्स करना पड़ेगा और डिफरेंट, कोई, या हाँ, मास्टर में भी एडमिशन ले सकते हो आप उसके पास सीधे? तो वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, या आपने अमेरिका से बैचलर्स किया है स्टेम में, आपको 3 साल का वर्क ऑथराइजेशन मिला, 3ों साल में आपका H1B पिक नहीं हुआ, देन यू हैव दी ऑप्शंस टू एनरोल इन अ हायर डिग्री विच इज़ द मास्टर्स डिग्री। या फिर आप मास्टर्स करो, 2 साल के अंदर मास्टर्स फिनिश करो, फिर आपको वापस 3 साल का वर्क ऑथराइजेशन मिलेगा, तो आपको 3 और H1B ट्राइज अच्छा, मिलेंगे। एक बात और, जैसे मान ले पहले इन्होंने 3 साल जॉब करी, इनको H1B नहीं आया, फिर जब ये मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या उस पीरियड में ये वर्क भी कर सकते हैं क्या ये लोग? मास्टर्स में अगर आप अप्लाई करते हो तो आप ऑफ कैंपस जो आपकी इंटर्नशिप होती है या या कोऑप होता है उसके अंदर आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। तो ये तो बहुत खर्ची लग जाएगा फिर उसके बाद तो, फिर है ना? खर्चे वाली बात है। तो जब तूने किया था तो जब तेरा 3 साल में नहीं आया तेरा H1B, तो तूने क्या करा फिर उसके बाद? मास्टर्स में एडमिशन लिया फिर क्या? हाँ, तो मेरे बैचलर्स के बाद मैंने 2 साल कोशिश की, 2 साल में नहीं हुआ। उस टाइम पे कोविड भी चालू हो गया था या तो इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी, लोगों की जॉब जा रही थी, तो मैंने मास्टर्स में एनरोल किया। मास्टर्स से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे और 3 ट्राइज मिले, वो तीनों नहीं, एक ट्राइज बात में तो, पिक जो नहीं जब हुआ। तूने मास्टर्स में अप्लाई किया उस पीरियड में, मास्टर कितने साल का होता है? 2 साल का? 2 साल का होता है मास्टर्स। उस पीरियड में तूने फिर 20 घंटे काम किया होगा? मैंने टेक्निकली 40 घंटे काम किया था क्योंकि मैंने 20 घंटे ऑन कैंपस जॉब की थी या और 20 घंटे मैंने इंटर्नशिप की थी। तो ये तो फिर इनको यहाँ पर आकर देखना पड़ेगा किस तरीके से वो उसको मैनेज करेंगे फिर यहाँ पर। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप अमेरिका में जब आते हो स्टार्टिंग में, डजेंट मैटर आप बैचलर्स में आओ या मास्टर्स में आओ, पहले 1 साल आप कैंपस के बाहर जॉब कर ही नहीं सकते, आप इनएलिजिबल हो। लेकिन आप day 1 से अगर आपको कैंपस में अगर जॉब लगती है एज अ स्टूडेंट वो तो बहुत असिस्टेंट, डिफिकल्ट है, मैंने सुना आज के हाँ, बहुत फिर अच्छा, कॉम्पिटिशन ये बहुत बहुत होता है ना, कंपटीशन हो बहुत गया। कॉम्पिटिशन, स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, आई तो नो वो आप day 1 से कर सकते हो। 1 साल के बाद आप इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई होते हो, उसे बोलते हैं CPT, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वो CPT आपको हर सेमेस्टर मिल सकती है अगर आपको इंटर्नशिप लगती है। लगती है वो भी इस बात पे कि आपके हाँ, आपका एक्सपीरियंस आपके कितना है। बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग कॉलेजेस ऐसे सिटी में सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होती है। जब उस या सिटी में इंडस्ट्रीज नहीं है तो जॉब कहाँ से लगेगी? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लोग तो सिर्फ देखते हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और कॉलेज की फीस। मैं तो कहता हूँ और एक तीसरा फैक्टर लोगों को देखना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से शहर में है और उस शहर की इकोनॉमी कैसी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास थोड़ा सा इंटर्नशिप या किसी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस हो बिफोर यू ग्रेजुएट। आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाती है, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज
सेलेक्ट अ कॉलेज इन अ सिटी जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो, तो आपको इंटर्नशिप लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है। अच्छा, अगर कोई मास्टर्स के लिए आ रहा है यहाँ पर, तूने कहा था कि वो पहले वहाँ एक्सपीरियंस ले, उसके बाद यहाँ आके मास्टर्स करे, तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यार वहाँ तो फिर जॉब मिल जाएगी, हम काम भी कर लेंगे, साथ में हम नौकरी भी कर लेंगे। जितना मैंने देखा, इट्स नॉट ईजी नाउ दीज डेज। इट इज़ नॉट ईजी, एब्सोल्युटली नॉट ईजी। पहली बात तो इस मार्केट में जॉब लगना मुश्किल है, अगर जॉब लगती भी है तो ये बात मुश्किल है कि कंपनी आपका H1B अप्लाई करेगी। अगर वो भी हो जाता है तो ये बात मुश्किल है कि आपकी H1B पिक होती है कि नहीं होती है। और एक दफ़ा H1B पिक हो जाए, फिर आपका इंडियन पासपोर्ट पे आपको 12 से 13 साल ग्रीन कार्ड के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा EB2 कैटेगरी में, वो तो खैर, और उसके बाद आपका ग्रीन कार्ड आएगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स और हर एक स्टेप एक से बढ़कर है। तो अगर आप लकी हो तो आपका सारा जल्दी हो जाता है, अगर आप अनलकी हो, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है, लक बेस्ड सिस्टम है, तो वक्त लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेजुएशन के बाद आता उसको उसके बाद 3 साल का मिलता है, अगर स्टेम है उसके पास, तो स्टेम है, तो अगर वो पोस्ट मास्टर्स के लिए आता है तो फिर उसको भी 3 साल का मिलता है, तो इसका मतलब उन 6 सालों में आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी आप नहीं मतलब आपकी कंपनी जो है आपके लिए H1B अप्लाई कर सकती है, बाकी आपकी किस्मत है कि आपको मिलता है या नहीं मिलता है। तो एक लाइटर नोट पे, इसका सबसे आसान तरीका क्या है जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, अब वो भी एक लाइटर नोट पे एक मजाक के तौर पर पूछ रहा हूँ, मैं सबसे यही कहता हूँ जब कोई मेरे से पूछता है कि अमेरिका आने का आसान तरीका, मैंने कहा, मैं तब मैं उनसे हमेशा कहता हूँ आसान तरीका वो बेटा एक ही है, या तो उधर से आओ क्रॉस करके, उसकी मैं किसी को मैं उसकी सलाह में देता नहीं, वो एक हंसी के तौर पे कहता हूँ मैं। और दूसरी बात भी हंसी के तौर पे भी वो सच बात है, मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी जो नागरिक है कि उससे शादी करो, ये बात कितनी सच है। ये बात 100% सच है, क्योंकि मेरे जानने वाले में काफी लोगों ने की है प्रॉपर। इससे ज्यादा अब उसके आप किस तरीके से समाज से, अपने परिवार से, या वो सब आपका अपना नितांत आपका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन इसी नोट पर कि जो आसान तरीका है, फिर H1B वीजा से भी आसान तरीका है ग्रीन कार्ड का या उसका, तो वो शादी है और वो एक सच्चाई है, आप उसको अदरवाइज मत देना जो सच है वो हमने बोला। और आज के लिए इतना ही, अभी तो ये है जो 12 साल से यहाँ पर है, आज तो इसका इंटरव्यू था, 12 साल से अभी H1B का पता नहीं है कुछ के होगा या नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा कल, तो इसलिए इसने मुझसे कहा कि मैं तो जो आज है ना मेरे पास, आज मैं फिलहाल आई एम हैप्पी, कल की फिर कल देखी जाएगी कल की, तो इसलिए चलो फिर मिलेंगे। एक दूसरा बंदा है जिसका H1B हो गया, इसके बाद एक इंटरव्यू उसके लिए उसके साथ भी होगा अगर संभव हुआ तो, और आप लोग कमेंट कर देना कुछ पूछना है, मैं इसको जैसे मैंने पहले कहा था रीडायरेक्ट कर दूंगा, और फिर जब इसके पास समय होगा तो आपको जवाब दे देगा। मेरे ख्याल से तो सारा कुछ बता ही दिया है मोर ऑर लेस सारे, और एक कहावत आने को समझदार को इशारा ही काफी है। तो इसलिए करना बाबू आपको ही पड़ेगा सब कुछ, तरीका आपको बता दिया है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो कि आप यूनिवर्सिटी में ढूंढ कर सकते हो, वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भर सकते हो, फिर तो बेटर है कि आप छोड़ दो सपना, क्योंकि वो तो बहुत बेसिक स्टेप है, बेसिक बात है ना। तो आप खुद सोचो ना, आप लोग मेरे से पूछते हुए कहते हैं यार तू मेरे से पूछ रहा है, अगर तू इतना भी नहीं कर सकता है कि तुझे ये कि कैसे यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं हम क्या करते हैं, तो फिर मत आओ ना, फिर देखो भी मत वो सपना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है और बहुत सारी चीज किस्मत पे आ जाती है। तो आप कितनी मेहनत क्यों ना करो, किस्मत प्लेज अ फैक्टर, लेकिन अगर मेहनत ही अगर नहीं हो रही है तो फिर किस्मत भी काम नहीं करेगी। तो बाकी जब आप मेहनत करते हो ना तो फिर रास्ते निकल जाते हैं। चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू, बाय।